है ना 30 तारीख को जो है एक छोटा बच्चा जो है मेनाज बोल के है, 7 साल उम्र का है, ये सोफिया रिजवान मस्जिद में जो ये वो अरबी पढ़ रहा है, उनको जो है मालापल्ली में रहते हैं, वो उनका वालदा और वालिद जो है शाहीन बेगम और मोहम्मद रियाज है, इनको 4 बच्चे हैं, वो लोग घर में एक साथ रहते हैं, तो बच्चा जो है सुबह मदरसा को जाके पढ़ के फिर वापस आते हैं, तो इनको जो है उनका बस्ती का सोहेल बोल के एक बच्चा जो है उनको मोटरसाइकिल में लेके जा रहा था, तो वो दे हम लोग को ये किडनैपिंग का कंप्लेंट जो है 31 को हमारा को कंप्लेंट आया था, इमीडिएटली हम लोग जो है CCTV फुटेज देखे तो एक बच्चे के संगात नॉन पर्सन के साथ सोहेल के साथ जा रहा था, वो TS16FH4352 के गाड़ी में गया और सोहेल को पहचान के उनके इंट्रागेशन करके दूसरे किसको दिए क्या दिए बोल के मालूम कर, तो उसको शेख आबिद और शबाना बेगम जो है मालापल्ली में रहते सॉरी आटानगर में रहते वो लोगों को ये बच्चे को बेचे से है, तो उसके संगात फिर गैंग रिंग को ने बोल के पूरा हैदराबाद को हम एक टीम स्पेशल टीम फॉर्म करे, रमेश एसआई और इंस्पेक्टर जो है एसिप साहब के सुपरविजन में कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस में पूरा टीम बना के इसको 3 दिन के अंदर बच्चे को जो है किडनैप बच्चे को जो है रिकवरी करके उनके पेरेंट्स जो है शाहीन बेगम को और मोहम्मद अयाज को हैंड ओवर कर दिए। एक्चुअली क्या है, ये बच्चा जो है नॉन पर्सन जो बाजू में रहता वो सोहेल के संगत तो गया, उनके संगत जरा उनके आने जाना है एक ही बस्ती में रहता, अचानक क्या बोल के बच्चा उनके संगत गया, तो उसके बाद उनको दूसरे लोगों को बेचे सो है, ये 3 लाख रुपए में बेचे, ये सोहेल को जो है 70,000 रुपए दिए और ये शेख आबिद और शबना बेगम को जो 1,70,000 ले लिए, और हैदराबाद में एक जरीना बोल के है उनको 10,000 और आलिया बोल के है उनको भी थोड़े पैसे दिए, इसको कौन कौन कितने लोगों को इन्वॉल्वमेंट है क्या पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इससे पहले भी दूसरे जगह में दूसरे मुकाम पे ये गैंग कुछ बच्चों का किडनैप कर रहे क्या बोल के वो भी एंगल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें क्या है बोले तो बच्चा जो है बहुत तेज है, ये मेनाज बोल के बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, वो शार्प है, उसके बाद से इनको सेलेक्ट करके किडनैप करे जैसा दिख रहा है, ये सोहेल जो किडनैप करा वो भी एक ही बस्ती का है, इसमें हमारे लोग हमारा विनती क्या है बोले तो आजकल जो है पहचानत के नहीं बाहर के लोग नहीं पहचानत के लोग ही ऐसा कर रहे हैं, तो आप लोग भी आपके बच्चों को कौन किसके संगत जा रहे हैं क्या किधर जा रहे हैं उनके ऊपर जरा एक नज़र रखे तो अच्छा रहेगा, क्यों बोले तो फिर मालूम ऐसा आदमी भी लेके जाके ऐसा बेच रहे तो ये बाहर गए तो फिर मुश्किल होता चार पकड़ने में, हैदराबाद में है बोल के विद इन द स्टेट में बोल के इमीडिएटली 3 दिन के अंदर पकड़ लेके मुजरमन को पकड़ के और माँ बाप को बच्चे को हैंड ओवर कर दिए। शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू।